पूर्व टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की प्रतियोगी कविता कौशिक ने विवेक ओबेरॉय की तारीफ करते सलमान खान पर तंज करने के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक्स अकाउंट पर विवेक की 1200 करोड़ की कथित कुल संपत्ति की प्रशंसा की। दरअसल विवेक ओबेरॉय के नेटवर्क के बारे में यूट्यूब मैक्सटर्न के ट्वीट के जवाब में कविता ने सलमान खान पर तंज कसा था। कविता कौशिक ने लिखा था कि एक बेहतरीन अभिनेता अपनी महिला के लिए खड़ा रहा, सबसे बड़े सच बोलने के खिलाफ लड़ा, लेकिन हम एक देश के रूप में स्वैग दादागिरी और रोस्टिंग के दीवाने हो जाते हैं। बता दें कि कविता कौशिक ने बिना नाम लिए सलमान खान पर तंज कसा है। इतना ही सोशल मीडिया पर हर तरफ कविता कौशिक के बयान की चर्चा होने लगी है। अब सोशल मीडिया पर रेडिट यूजर्स ने कौशिक के पुराने ट्वीट्स को खोज निकाले जिनमें उन्होंने अपने सलमान खान की तारीफ की। यूजर्स का कहना है कि बिग बॉस 14 में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें मिली आलोचना के बाद अब वो सलमान खान की आलोचना कर रही हैं। इससे पहले कविता ने कहा था कि सलमान खान शो में उनकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। कविता ने बिग बॉस 14 में भाग लेने के बारे में भी खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरा वास्तव में बुरा अनुभव था, मैं अभी भी कभी कभी इसके बारे में सोचकर बीमार महसूस करने लगती हूँ, मुझे अजीब सी और उल्टी जैसा लगता है। रूबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के साथ तीखी बहस के बाद कविता बिग बॉस 14 से बाहर हो गई थी। शो में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एजाज खान के साथ अपने झड़पों के लिए सुर्खियां बटोरी थी। इस साल की शुरुआत में कविता ने टीवी इंडस्ट्री से अपने प्रस्थान की घोषणा की थी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।